हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय डोजन। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो हमारा बहुत ही खास होने जा रहा है, हमारे सारे हिंदू भाइयों के लिए, हमारे सारे दोस्तों के लिए, जो जो राधा रानी को, जो कृष्ण जी को मानता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ वृंदावन की नगरी में और दर्शाने हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आप अंत तक जुड़े रहिए और हम लोग वृंदावन में हर जगह पर जाएंगे जो खास है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए, हम आपको हर जगह घुमाने वाले हैं, हर चीज़ दिखाने वाले हैं जो जो वहाँ पर काफ़ी इसका मान्यता है, काफ़ी जो प्रसिद्ध है। तो चलिए हम चलते हैं वृंदावन की नगरी में और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए हम चलते हैं वृंदावन की नगरी में और लेते हैं राधा रानी का नाम। जय राधा रानी। चलिए चलते हैं। तो चलिए हम अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं हमारी कार लगी हुई है यहाँ पर और हम जाकर कार में बैठेंगे और बैठने के बाद देखिए हम लोग निकल गए वृंदावन जाने के लिए। तो एक बार बैठकर राधा रानी का नाम लिए जरूर और फिर हम लोग CNG गाड़ी में डलवाए। गाड़ी में CNG डलवाने के बाद फिर हम लोग राधा रानी का नाम लेकर वहाँ से निकल गए। तो काफ़ी अंदर ही अंदर खुशी हो रहा है, काफ़ी आनंद आ रहा है कि हम लोग भी वृंदावन जाएंगे, आज राधा रानी का दर्शन करेंगे, क्योंकि ये मेरा पहली बार है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, मैं जो चीज़ दर्शन करूँ, मैं आपको भी कराऊँ। अब देखिए, मैं वहाँ पर पहुँचने के बाद से राधा रानी के पास पहुँचने से पहले ही हम लोग उतरे होटल में और होटल में कुछ करेंगे नाश्ता। और ये देखिए, फ्रेश होने के बाद से हम लोग होटल में जाते हैं और होटल में जाके वहाँ पर करेंगे नाश्ता और नाश्ता पानी करने के बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं नाश्ता भी। हम लोग खाना यहाँ से बुक किए, खाना नहीं बल्कि नाश्ता ही है। और नाश्ता बुक करने के बाद से फिर हम लोग यहाँ से चल दिए बरसाने के लिए, सॉरी बरसाने के लिए नहीं, वहाँ पर वृंदावन के लिए। तो वृंदावन से देखिए राधा रानी का फिर से हम लोग नाम लिए और फिर हम लोग निकल गए राधा रानी के दर्शन पाने के लिए। हम लोग इतना उत्सुक है, अंदर से इतना उत्सुक है कि हम अब आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितना उत्सुक हैं राधा रानी का दर्शन करने के लिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और ये हमारे अंकल जी हैं जो साइड में बैठे हैं, जिनके साथ जाकर काफ़ी मुझे मज़ा आ रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए वृंदावन। तो वृंदावन का एक गेट है, यहीं से हम लोग का एंट्री होता है, यहीं से हम लोग जाएंगे अंदर, फिर राधा रानी का होगा। हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं राधा रानी का दर्शन करने। तो एक खाटू जी का मंदिर है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं अभी। अलग अलग हर चीज़ का मंदिर है, तो यहाँ पर खाटू जी का मंदिर है। तो यहाँ पर हम लोग खाटू जी के देखिए सीढ़ी आ गया और यहाँ पर से ही खाटू जी को नमस्ते करके हम लोग चले अंदर। और अंदर खाटू जी का दर्शन करने के लिए काफ़ी हम लोग उत्सुक हैं अंदर ही अंदर। तो देख पा रहे हैं, हम आपको हर एक चीज़ दिखाने वाले हैं, आप बस वीडियो में जुड़े रहिए और हम आपको हर एक चीज़, हर मंदिर जहाँ जहाँ हम लोग घूमे हुए हम आपको दिखाएँगे और कोशिश करेंगे कि आपको देखने के लिए कुछ रह ना जाए, कुछ बाकी ना रह जाए जो जो वृंदावन में। तो देखिए, हम लोग मंदिर में आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से लगते हैं पैर और पैर लगने के बाद से जाते हैं अंदर। और अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी देर में आपको मूर्ति दिखाई देगी। ये देखिए, खाटू जी का गेट अभी तो लगा हुआ है लेकिन कुछ ही देर में खाटू जी का गेट खुलेगा और सभी भक्तजन देख रहे हैं यहाँ पर, सभी श्रद्धालु, सबके अंदर इतना खुशी है कि इतना मिलने के लिए खाटू जी से उत्सुक है सबके साथ। देखिए, दर्शन के लिए सब कोई खड़ा है और सब कोई यही इंतजार कर रहा है कि कब गेट खुले और खाटू जी का एक झलक देखने के लिए मिल जाए। ये देख पा रहे, गेट खुल गया और सब कोई यहाँ पर खाटू जी का दर्शन कर रहे हैं। आप देख पा रहे मंदिर कितना अच्छा है और भक्तजन, सारे भक्तजन यहाँ पर खाटू जी का ही बस इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, आप और इस वीडियो में जुड़े रहिए और आप भी आनंद लीजिए इस वीडियो का और आप भी देखिएगा तो जाने के लिए उत्सुक होइएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। ये देख पा रहे हैं, यही खाटू जी है और इनका गेट खुल गया और सब कोई दर्शन कर रहा है, सब कोई जयकार लगा रहा है। तो आप भी अगर बोलिए खाटू जी की जय। और ये देखिए, सबके अंदर इतना खुशी है, इतना भक्ति भावना है कि हर कोई यहाँ पर खाटू जी का दर्शन करने के लिए आए। तो आप भी एक बार जरूर आइए और दर्शन करिए और काफ़ी आनंद आएगा यहाँ पर आने के बाद से। आप हर अपना दुख पीड़ा भूल जाइएगा और बस राधा रानी का नाम लीजिए और वीडियो में आप जुड़े रहिए और देखिए आगे। अब हम लोग दर्शन करके निकल रहे हैं मंदिर के बाहर और बाहर जाने का गेट है, तो देखिए हम लोग जा रहे हैं बाहर।
ये देखिए बाहर आने के बाद से फिर हम लोग जाते हैं राधा रानी से मिलने। एक और बगल में मंदिर है, काफ़ी विशाल मंदिर है, वहाँ पर हम आते हैं। वहाँ पर आने के बाद से दर्शन करते हैं। यहाँ का भी यही दृश्य काफ़ी मनभावन है। सारे फूल कच्चे फूल से सजा हुआ है सारा यहाँ का घर, जो मंदिर है सारा कच्चा फूल से सजा हुआ है। और श्रद्धालुओं का भीड़ देख रहे हैं आप, इतना ज़्यादा है, इतना सबके अंदर इतना खाटू से मिलने का भावना मन में है, और यही भावना होना भी चाहिए सबके अंदर। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद से हम लोग आते हैं बाहर, और आने के बाद से लेते हैं प्रसाद, और देख पा रहे प्रसाद हमने खरीदा, और कितना अच्छा यहाँ का लोकेशन है। उसके बाद से हम लोग आते हैं बाहर और होटल में खाना खाते हैं, क्योंकि अब खाना खाकर हमें 30 किलोमीटर दूर गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा करना है। तो हम यहाँ पर खाते हैं खाना, और खाना खाने के बाद से होगा परिक्रमा चालू। तो आप जान रहे हैं कि यहाँ का 30 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है गोवर्धन पहाड़, तो उसका परिक्रमा करेंगे। उसका परिक्रमा करने में हमको 6 से 7 घंटा का टाइम लग जाएगा। देख ये देख पा रहे हैं हम लोग आ गए, यहाँ से हमारा होता है परिक्रमा चालू। हम लोग पहले गोवर्धन पहाड़ को चूमते हैं, और चूमने के बाद से खाटू जी का नाम लेते हैं, और लेने के बाद से देखिए हमारा परिक्रमा स्टार्ट हो गया। तो परिक्रमा के साथ साथ जितना रास्ते में मंदिर आ रहा है सबसे होते हुए हम जाएंगे। तो आप तो जुड़े रहिए, और देखिए यहाँ पर 8 किलोमीटर दूर चलने के बाद से एक मंदिर मिला, और उस मंदिर में भी हम लोग गए, और वहाँ का भी दृश्य काफ़ी सुंदर था। तो आप वीडियो में जुड़े रहिए, हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और बस आप वीडियो का आनंद लेते रहिए। तो चलिए ये देखिए, उसके बाद हम लोग आते हैं बाहर, और आने के बाद गर्म दूध और चीनी पीते हैं, और पीने के बाद से फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। फिर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाने पर फिर एक और मंदिर आता है, जबकि हमने मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग को रास्ते में जितना मंदिर दिखेगा उसका दर्शन करते हुए जाएंगे। तो देखिए 8 किलोमीटर दूर चलने के बाद से फिर एक मंदिर मिला, और उसका हम लोग ने पूजा किया, और यहाँ पर थोड़ी देर किया आराम, और आराम करने के बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक दर्शन कर रहे हैं, आप लाइव में जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये देखिए फिर हमारा परिक्रमा हुआ स्टार्ट, और ये देख पा रहे हैं कितना अच्छा सुविधा है यहाँ पर, मिट्टी का इस साइड रोड है, परिक्रमा करने के लिए खास रोड है। अब हमारा हुआ परिक्रमा ख़त्म, अब हम आते हैं राधा कुंड में, और राधा कुंड में यहाँ पर नहाते हैं और पूजा करते हैं। फिर पूजा करने के बाद से हम लोग राधा कुंड से निकलते हैं बाहर, और हम लोग अब चलेंगे बरसाने के लिए। देखिए बरसाने का मंदिर है जो काफ़ी ऊँचा पहाड़ पर है, तो यहाँ पर हम लोग बरसाने राधा रानी का दर्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लगते हैं राधा रानी को पैर, उसके बाद से हम लोग यात्रा शुरू करते हैं। और देखिए हम लोग आ गए हैं ऊपर राधा रानी से का दर्शन करने। ऊपर से आप लोकेशन देख पा रहे हैं कितना अच्छा लोकेशन आ रहा है। आप भी एक बार आए और ज़रूर से ज़रूर दर्शन करें, काफ़ी मनभावन जगह है, काफ़ी अच्छा है। ये देखिए उसके बाद से फिर हम जाते हैं और ऊपर, और सबसे ऊपर ही लाडली राधा रानी का दर्शन करने के लिए मिलेगा। तो हम जाते हैं, देखिए श्रद्धालुओं की कितना भीड़ है यहाँ पर राधा रानी का दर्शन करने के लिए। हर आदमी उत्सुक है, हर कोई उत्सुक है, और हम भी बस राधा रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं, और कैसे दर्शन हो जाए बस। और देख पा रहे हैं सब कोई इंतज़ार कर रहा है गेट खुलने का, क्योंकि गेट अभी बंद है, तो थोड़ी देर में अब गेट खुलेगा, हर कोई दर्शन करेगा। तो अभी जुड़े रहिए वीडियो में, और राधा रानी के दर्शन करके ही जाए। आपको वीडियो उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा। ये देखिए गेट खुल चुका है, और सब कोई राधा रानी का स्वागत कर रहा है, गाना गाकर सब कोई अपने फ़ोन में राधा रानी का फ़ोटो कैद कर रहा है, ताकि वो घर पर जाकर आराम से देख सके। तो यही है, उसके बाद से हम लोग का यात्रा होगा ख़त्म, अब हम चलते हैं अपने घर के लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।